नमस्कार दर्शकों, मैं विवेक तिवारी हाजिर हूं आपके अपने प्रोग्राम सच जो आप जानना चाहते हैं को लेकर। दर्शकों, खबरों की सच्चाई की पुष्टि किए बिना ही समाज में प्रकाशित करना अथवा किसी के लिए दावे करना समाज पर दुष्प्रभाव डालता है, इसलिए खबरों की प्रामाणिकता और तथ्यों का उल्लेख करते हुए स्वस्थ पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी पत्रकारों की है। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन दावों की पड़ताल कर रहे हैं जो आम समाज में फैलाए जा रहे हैं, जिनका सत्य या असत्य होना जन समुदाय पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारे आज के विशेष प्रोग्राम में हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े एक और दावे की पड़ताल करने वाले हैं। दर्शकों, हमें एक वीडियो मिला जिसमें संत रामपाल जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह दावा कर रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान हैं। मतलब तीनों देवताओं की जन्म मृत्यु होती है। रजोगुण ब्रह्मा हैं, सद्गुण विष्णु और तमोगुण शंकर जी हैं। इसके अलावा दावे में यह भी कहा गया है कि इन तीनों देवताओं की माता देवी दुर्गा जी हैं। ये सुनने में जितना आश्चर्यजनक लगा, जानने में उतना ही रोचक लगेगा। दर्शकों, सबसे पहले आपको संत रामपाल जी महाराज की वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें यह दावा किया गया है। रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। इनके जीवनी में लिखा है कि ये तो नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये ब्रह्म इनका पिता है। दर्शकों, केवल इतना ही नहीं, संत रामपाल जी द्वारा इस दावे को साबित करने के लिए देवी भागवत महापुराण का हवाला भी दिया गया है। अपने आत्माओं यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा नए नए भक्त आते हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है, इनका कोई माता पिता भी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। गुणात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं सबके घर विद्वान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि महर्षि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरो अमर बताएं, विष्णु जी और शिव जी को, इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं, ये खाक पड़ा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से, अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवावे, शास्त्र विरुद्ध साधना करवावे और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सती थी, देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव यानी जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है,
केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अभी से यह विषय हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने पांच कंसेप्ट क्लियर कर दिए, पांच पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर एक, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिवजी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया, पांचवा कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए तत्वज्ञानहीन प्राणियों ने इतना ही बनाकर हमें विधान बता दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब इन भगवानों का, जिन भगवानों से ये परिचित थे, उनका इतना ही विधान है। दर्शकों, हमने जब इस दावे की पड़ताल शुरू की तो हमें यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद लग रहा था। फिर भी हमने इसकी पड़ताल की और जो संत रामपाल जी द्वारा देवी भागवत महापुराण के प्रमाण दिए गए थे उनकी काफी गहनता से जांच की। हमने देवी भागवत महापुराण का तीसरा स्कंद खोलकर देखा जिसमें लिखा हुआ था, वो भी आपको हम दिखाते हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तो दर्शकों, वीडियो के माध्यम से जो दावा किया गया है हमारी पड़ताल में, यह बिल्कुल सही है और अपने आप में एक अद्भुत जानकारी भी, जो प्रमाणित तथ्यों के आधार पर है। वास्तव में हमारे ही शास्त्रों में ये साफ लिखा है कि तीनों देवताओं की जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है, और तीनों देवताओं की माता जी है दुर्गा माँ, जिसे हम सब शेरा वाली माँ भी कहते हैं।